इन दिनों हरी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। हर तबके के लोग हरी सब्जियों की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिले में बड़े पैमाने पर हरी सब्जियों की खेती की जाती है। जिले में किसान बड़ी मात्रा में सब्जियों की पैदावार करते हैं। क्या आपको पता है बाजार में 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाला बैंगन किसान कितने रुपयों में व्यापारियों को देता है? यही सब सवालों के जवाब में BS प्राइम इंडिया न्यूज की टीम पहुँची भंडारा जिले के ढीवरवाड़ा गाँव के वैनगंगा नदी निकट के कुछ खेतों में। जहाँ बैगन एवं मिर्ची का उत्पादन बड़े मात्रा में किया जाता है, और आपको इस बात की भी हैरानी होगी कि ये बैगन और मिर्ची भंडारा जिले में नहीं तो गोंदिया जिले में बेचा जाता है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भंडारा जिले में उचित भाव ना मिलने के कारण उन्हें गोंदिया जिले में माल बेचना पड़ रहा है, क्योंकि भंडारा सब्जी मंडी में 3 से 4 रुपए प्रति किलो माल खरीदा जाता है, तो वहीं गोंदिया जिले में 7 से 8 रुपए किलो। पहले से ही कोरोना के चलते काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और इसमें उचित भाव ना मिलने से किसान परेशान है। पर हम जो बाजार से सब्जियां लाते हैं, सब्जी विक्रेता उन सब्जियों को किसान से कौड़ियों के दाम में खरीद कर सोने के दाम में बेचता है। मतलब साफ है कि किसान का उत्पादन में कोई भी मुनाफा नहीं है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले, और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।